नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से समन भेजा है। जी हाँ, ईडी ने 24 अगस्त को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है। हम आपको बता दें कि पहले भी जो है 8 अगस्त को हेमंत सोरेन को समन भेजा था और समन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्यस्तता का हवाला देकर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। लेकिन इस बार ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, यही वो ईडी का कार्यालय है। ये जो जोनल ऑफिस है, यही ईडी का कार्यालय, यहीं पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ये ईडी कार्यालय में ही जितने भी मामले जो है, जमीन से जुड़े मामले या मनी लॉन्ड्रिंग मामले, अवैध खनन मामले, सारे मामलों को जो है यहाँ पर मामलों के यहाँ पर पूछताछ होती है। वो आपको बता दें कि जो ईडी का जो दबिश है लगातार बढ़ रहा है और ईडी जो है अपनी कार्रवाई को तेज कर चुकी है। और ऐसे में लगता है कि ईडी जो है अब हेमंत सोरेन को जिस तरह से समन भेजा है और 24 अगस्त को बुलाया गया है, एक बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिए। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि पिछली बार जो हेमंत सोरेन को जो ईडी ने समन भेजा था, लेकिन वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। लेकिन इस बार भी जो समन भेजा गया है, वो ईडी कार्यालय आएंगे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ईडी ने अपनी ओर से समन भेज दिया है मुख्यमंत्री को और 24 अगस्त को फिर से बुलाया है। आपको बता दें कि पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उसके बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी ईडी कार्यालय में यहाँ पर आए थे और उनसे सवालात जवाब हुए और उसके बाद कई घंटे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और लेकिन इस बार जो है ईडी फिर से समन भेजा है और ये जो मामला है, ये ज़मीन घोटाले से जुड़ा मामला है। इस ज़मीन घोटाले मामले में उनसे पूछताछ होगी, एक बड़ी खबर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपना व्यस्तता का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय उस समय नहीं पहुंचे थे जो पहला समन भेजा गया था इस बार। लेकिन अभी जो जो समन भेजा गया है, इसमें पूछताछ के लिए वो 24 अगस्त का दिनांक निर्धारित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय उस दिन पहुँचते हैं कि नहीं। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।